गाइस ये आप एक पेज देख रहे हो, तरनजोत अंडरस्कोर सिंह अंडरस्कोर बात, इस बंदे की पिक भी मैंने शेयर करी है और इसकी प्रोफाइल पे आप लोग इसका नंबर भी देख सकते हो जो शो हो रहा है। ये एक ऐसा बेशरम इंसान है, इसने अपने फ़न के लिए एक डॉग को अपनी गन से शूट कर दिया और शूट करने के बाद उस वीडियो को इसने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी करा है। ये इसकी गाड़ी का नंबर है। मुझसे जितने एविडेंस हो सकते थे मैंने इस क्रुएलिटी के अगेंस्ट इकट्ठे कर लिए। जैसे आप इसमें इसका फेस देख सकते हो, इसका ट्राउजर जो शूट करते टाइम इसने पहना था और यहाँ पे जो इसने टी शर्ट वियर करी है वो शूट करते टाइम भी पहनी है। ये बंदा पंजाब से है, एग्जैक्ट लोकेशन मुझे नहीं पता कि ये कहाँ से है, बट जितने एविडेंस से पता चला ये पंजाब से है और ये नॉर्मली गन को कैरी करता है। आप लोग बहुत क्लियरली देख भी सकते हो, ये एक नहीं ये चार चार गन को कैरी करता है और उसका कितना मिसयूज़ कर रहा है। सबसे दुख की बात ये है कि अभी तक हमारी गवर्नमेंट ने इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया है, जबकि इस वीडियो में काफ़ी लोगों ने PFA को और मेनका मैम को टैग किया है, बट अभी तक इसके लिए कोई भी एक्शन लिया नहीं गया है। आप सब लोग इस वीडियो को इतना शेयर करें ताकि इस बंदे पर लीगल एक्शन लिया जा सके। जब तक हमारी गवर्नमेंट एनिमल क्रुएलिटी को सीरियसली नहीं लेगी तब तक हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। जब इंसान का मर्डर करने पे 302 की धारा लगाई जाती है और उसको फांसी तक की सज़ा हो जाती है तो एनिमल के साथ क्रुएलिटी करने वाले को 50 रुपये में क्यों छोड़ा जाता है? जान तो दोनों में ही जाती है ना, चाहे वो एनिमल की जाए या इंसान की जाए, भगवान ने जान तो दोनों को बराबर ही दी है ना, तो एनिमल को 50 रुपीज़ में क्यों छोड़ा जाता है? उनके लिए कोई स्ट्रिक्ट रूल क्यों नहीं बनाया गया? गवर्नमेंट ने अभी तक क्यों नहीं कराई ये चीज़ें? लास्टली मेरी यही अपील है, जो भी लीगल अथॉरिटी है इस बंदे के लिए जितने कड़े एक्शन हो सकते हैं प्लीज़ लीजिए, क्योंकि ऐसे बंदे घूमते रहेंगे तो एनिमल को लोग मारते रहेंगे, उनके साथ क्रुएलिटी करते रहेंगे और हम लोग सिर्फ वीडियो बना के डालते रहेंगे क्योंकि होना कुछ है नहीं।